वेलकम माई वेरी वेरी प्रीशियस स्पाइसीज़ आई रियली होप कि आप सभी ठीक हैं और आप सभी खुश हैं एंड आई आई प्रे फॉर यू ऑल स्पाइसीज़ के आपका फेबररी का महीना बहुत ही अच्छा जाए एंड आई एम रियली सॉरी आप लोगों की रीडिंग लेट हो गई है इनफैक्ट सारे साइंस की रीडिंग इस बार थोड़ी लेट हो गई है सो आई एम सॉरी अबाउट दैट और जो लोग भी चैनल पर लाइक करते हैं कॉमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं Uh, मेरा बहुत सारा प्यार और ग्रैटिट्यूड आप सभी के लिए थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए और जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि इस रीडिंग में exactly हम क्या करने वाले हैं तो रीडिंग का जो फर्स्ट हाफ़ रहेगा वो आपकी जनरल प्रडिक्शन रहेगी पाइसिस जिसमें हम आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज़ को टैप इन करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है पाइसिस और उसके बाद रीडिंग के सेकेंड हाफ़ में हम आपके रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे ओके okay? आपकी लव रीडिंग करेंगे और आ, आपकी लव रीडिंग का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने की कोशिश करेंगे ओके okay? तो ओ यहाँ पे द सन आया है ओवरऑल आपका महीना बहुत ही अच्छा दिख रहा है पाइसीज स्टार्टिंग में आ, महीने के स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है और वो रेजिस्टेंस क्यों दिख रहा है क्योंकि आप पाइसिस बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि लोग आ, लोग आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं लोग आपको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आपका बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो लोगों पर दिख रहा है तो स्टार्टिंग में हो सकता है आप ऐसा अटैक्ड फील करें कि लोग आ, मुझे क्यों बुरे लोग मिलते हैं मुझसे ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं मुझे कोई अटेंशन क्यों नहीं देता है थोड़ा सा वो महीने के स्टार्टिंग के दो चार दिन हो सकते हैं जब आप ऐसा फील कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है पाइसीज़ तो थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को लेके रेजिस्टेंस दिख रहा है देखिए कई बार जब हमें लगता है मतलब हर कोई आपको पूरे टाइम जज नहीं कर रहा है जितना आप चीज़ों को ओवर थिंक करें कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा ऐसा नहीं है पूरे टाइम लोग बैठ के आपको जज नहीं कर रहे हैं ये हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि हमें ऐसी सब फीलिंग्स आती हैं लाइफ में तो बहुत ज़्यादा लोग हमसे क्या बात करें क्या बिहेव करें उस पर फोकस करके अपनी एनर्जी को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है किसी ने कुछ बोल दिया किसी से कुछ बात हो गई उसे वहीं पर रिलीज कर दो और उसे जाने दो ठीक है दिल पर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अगर ये सोच रहे हो कि हर कोई मेरे बारे में खराब सोचता है तो ये बिल्कुल भी गलत है ठीक है यहां पे आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम दिख रहे हैं तो ऐसा मत सोचो कि हर कोई आपके बारे में बैठ के आपके बारे में ही गलत सोचता रहता है ऐसा नहीं है ठीक है तो किसी से कुछ बात होती है तो उसे इग्नोर कर देना यहां पे क्वीन ऑफ पेंटिकल दिख रहा है स्पाइसी क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि बहुत ही अच्छा महीना है पैसों के हिसाब से और करियर के हिसाब से तो अगर करियर में दिख रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी विन हो रही है तो यहाँ पर करियर पैसे फाइनेंस जॉब और बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रहा है खासकर उन लोगों के लिए जो लोग उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं तो अगर आपकी एग्ज़ाम्स है और आपने एकदम दिल लगा के पढ़ाई की है तो यहाँ पे आप आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब मिले तो आपने कितने एफ़र्ट लगाए हैं ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी हैं आपके लिए पर आप कितना उसको ग्रैप करते हो कितना यूटिलाइज़ करते हो कितना उस पर मेहनत करते हो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा तो फॉर से अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको दिल लगा के जॉब सर्च करना है हर जगह अप्लाई करना है अपनी साइड से इनिशियल आपको मेहनत करनी है उसके बाद सारी चीज़ें फ्लो में होने लगेंगी क्योंकि एनर्जीज आपके करियर की काफ़ी आपके फेवर में दिख रही है ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे हाँ तो ये जो महीना है बहुत अच्छा जाने वाला है अगर कोई एग्ज़ाम्स हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई इंटरव्यू है तो बहुत ही अच्छा जाएगा मतलब थोड़ा सा पुश देना है आपको खुद को और बाकी चीज़ें यूनिवर्स हैंडल करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे और अगर आप आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे तो वो पैसे भी इस महीने मिल सकते हैं आपको या फिर कोई आपकी पेमेंट अटकी थी वो भी इस महीने मिलेगी आपको ठीक है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कार्ड है द फूल का कार्ड द फूल का कार्ड बता रहा है न्यू बिग्निंग्स के बारे में कि आप नई शुरुआत कर रहे हो और ये जो नई शुरुआत है ये आप किसी के साथ मिल के कर रहे हो और ये जो आप किसी के साथ मिल के एस्टैब्लिशमेंट रख रहे हो वो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा बैक टू बैक ये तीनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं तो सबसे पहला कार्ड द फूल का है द फूल बता रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ शुरू करना है आ, ये एक कोई नई शुरुआत है क्योंकि देखिए द फूल का नंबर ज़ीरो होता है और ये टेरो डेक का फर्स्ट कार्ड होता है तो जब भी एक साइकिल फिनिश होती है तो एक नई साइकिल शुरू होती है तो यहाँ पे एक नई साइकिल शुरू हो रही है बट इस साइकिल को शुरू करने के लिए आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत होती है मतलब थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा यूनिवर्स पर भरोसा रखना पड़ता है या जिस भी एनर्जी पर आप बिलीव रखते हैं उस पर आपको भरोसा रखना पड़ता है और फिर एक नई शुरुआत करनी होती है तो अगर कुछ चीज़ है जो करनी है और बहुत समय से टाल रहे हैं तो ये एकदम सही समय है उस चीज़ का उस चीज़ की शुरुआत करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ये करियर से रिलेटेड दिख रहा है पाइसीस कि आप या तो कोई स्किल सीखना चाहते हो कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हो कुछ शुरू करना चाहते हो आपका खुद का कुछ बिजनेस आइडिया है आपके दिमाग में यू you नो know, जो भी अगर ये कोई छोटी सी भी चीज़ है या फिर अगर ये बहुत बड़ी चीज़ भी है तो यहाँ आपको साइन एकदम मिल रहा है कि आप वो काम शुरू कर दीजिए थ्री ऑफ पेंटिकल है थ्री ऑफ पेंटिकल होता है कुछ लोगों के साथ मिल के एस्टैब्लिशमेंट रखना और कुछ क्रिएट करना तो ये जो आप शुरू करना चाह रहे हो उसमें आपकी लोग भी हेल्प करेंगे आपको हेल्प मिलेगी आपको सपोर्ट मिलेगा आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा शायद आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करें या फिर आपकी फैमिली आपको हेल्प करें तो आप हो सकता है आप किसी के साथ मिल के कुछ शुरू करें यू नो कुछ बिज़नेस या कुछ कुछ तो भी यहाँ पे दिख रहा है जो आप किसी के साथ मिल के करते हुए दिख रहे हो तो यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प यू नो लोगों से हेल्प मांगे यूनिवर्स से हेल्प मांगे और uh, यूनिवर्स पे भरोसा रख के ये काम शुरू कर दीजिए द सन यहाँ पे दिख रहा है जो भी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं जिस भी चीज़ में आप हार्ट डाल रहे हैं वो चीज़ सक्सेसफुल हो रही है सन इज़ द हैप्पियस्ट कार्ड ऑफ़ द डेक पाइसिस तो अगेन थोड़ा सा भी खुद को पुश करेंगे तो एनर्जीज आपके फेवर में है और खुशियों भरा महीना ये दिख रहा है मुझे Uh, तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ की कुछ एरिया में बहुत ही मेजर uh, खुशियां या सेटिस्फैक्शन आ, रह, आ रहा है यहाँ पे ठीक है वी हैव बॉडी एंड एंड स्पिरिट ओके ओके प्रेयर्स फायर मैजिक और राइट तो भाई यहाँ पे क्या है देखिए सबसे पहले तो फायर मैजिक को शॉर्ट में समझाती हूँ कि uh, I... Uh फायर का यूज़ करना है आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए तो आप एक कैंडल जला के अपनी विशेज़ को रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक और कार्ड आया है प्रेयर्स एंड विशेस तो आप जो चाहते हैं वो चीज़ को करने के लिए आपको डेली प्रेयर करनी है यूनिवर्स से प्रे करें या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं आपके रिलीजन में अगर मंदिर जाते हों या फिर आपके रिलीजन में नमाज़ पढ़ते हों या फिर चर्च में जाते हों गुरुद्वारे में जाते हों जिस भी चीज़ को आप फॉलो करते हो वो चीज़ आपको एकदम दिल से करनी है यहाँ पे कैंडल्स लाइट करने का दिया जलाने का अगरबत्ती जलाने का यू you नो know, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व बताया जा रहा है और जो भी आपकी प्रेयर्स हैं वो एकदम सच्चे दिल से रोज़ बोलिए और एक महीने बाद आपको उसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे ठीक है तो रोज़ सुबह उठ के आपको अपनी प्रेयर बोलनी है सोने से पहले यूनिवर्स को अपनी प्रेयर बोलनी है अगेन जो भी आप करते हैं प्रोसेस वो करना है क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट का कार्ड आया है मतलब कि क्या बॉडी और सोल की सफाई करनी है आपको तो अगर आप कुछ सच में कुछ नया यहाँ पे शुरू कर रहे हैं स्पाइसी तो ज़रूरी है के एक प्योर हार्ट से या फिर एक प्योर स्लेट से शुरू करें तो पास्ट का जो भी है उसे रिलीज़ करके खुद को हील करके खुद को क्लैरिफाई करके एक नई शुरुआत आपको करनी है पास्ट के कोई भी बिलीफ सिस्टम ये पहले नहीं बन पाई थी बात इस बार भी नहीं बन पाएगी ऐसा वैसा ये जो भी बिलीफ सिस्टम है सब साइड में रख के वो काम शुरू करिए जो आपको शुरू करना है कुछ स्पाइसी को यहाँ पे ब्रेक लेने की ज़रूरत है अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं तो प्लीज़ ब्रेक लीजिए हाँ ख़ुद को थोड़ा रिफ़्रेश करिए एलिमिनेशन का कार्ड आया है पाइसीज़ यहाँ पे और एलिमिनेशन का कार्ड बता रहा है कि किसी चीज़ पे रोशनी पड़ रही है तो या तो आपको लाइफ की रियलिटी पता चलेगी या किसी पर्सन की रियलिटी पता चलेगी या फिर आपको रास्ता दिखेगा आगे बढ़ने का तो क, आ, किसी चीज़ पर रोशनी पड़ रही है जहाँ पर अंधेरा था पहले लीडरशिप का रोल आपको प्ले करना है आपको अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना है पाइसीज और लाइफ को अपने हाथ में लेना है मतलब कि बहुत ज़्यादा दूसरों पे अपनी लाइफ को लेकर डिपेंड ना रहें आपको जो अचीव करना है जो आप लाइफ में चीज़ें पाना चाहते हैं उनके लिए खुद मेहनत करना शुरू करें और जब आप खुद मेहनत करना शुरू करेंगे तो हेल्प आपको धीरे धीरे खुद ब खुद मिलती जाएगी ओके okay? रास्ते दिखते जाएंगे पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि ये होगा तब करूँगा मैं ये या करूँगी मैं कोई हेल्प मिलेगी तब ऐसा वैसा ये सब नहीं सोचना है चलिए और प्रोडक्शन के कार्ड्स लेते हैं वी हैव ग्रेट वरी ओवर नथिंग अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं ज़्यादा चिंता कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कि ओवर थिंकिंग को या फिर नेगेटिव थिंकिंग को बंद कर दीजिए ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कि इतनी कोई बात ऐसी है नहीं कि आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत पड़े आगे जाके चीज़ें सब बेटर ही हो रही हैं तो आपका जो ओवर थिंकिंग है वो करने का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है वो इेलिवेंट है तो अगर बार बार फोकस नेगेटिविटी पर जा रहा है लाइफ की तो थोड़ा सा यू you नो know, थोड़ा सा माइंडफुल uh, रहिए कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है अपने पैसों को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि आप पैसे अपने कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ऐसा तो नहीं है कि Um, आप एकदम से इन्वेस्टमेंट ऐसा करो कि शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा दिया बिना किसी नॉलेज के या फिर ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है ठीक है यू विल बी शोन द वे आपको रास्ते दिखाई जैसे मैं बोल रही थी ना कि बस काम करिए और रास्ते खुद ब खुद दिखेंगे यहाँ पर अगैनिक आर्ट बोल रहा है कि रास्ते आपको खुद ब खुद दिखेंगे दिखने लग जाएंगे मतलब तो चलना तो शुरू करिए रास्ते आपको दिखने लगेंगे ठीक है देन वी हैव ग्रेट गुड फॉर्चून गुड फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे अच्छी अच्छा फॉर्चून अच्छी अच्छे पैसे आते हुए दिख रहे हैं या फिर किस्मत में आपकी कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है चलिए और देखते हैं वी हैव वेकेशन जैसा मैं आपको बोल रही थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए यहाँ पे वेकेशन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि या तो आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर करेंगे कहीं घूमने जाएंगे या फिर अगर नहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ एक एक ब्रेक ले लीजिए ख़ासकर कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं तो उसके पहले एक ब्रेक लीजिए डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स ये कार्ड क्या बोल रहा है कार्ड बोल रहा है कि अपने स्टैंडर्ड को कम मत करिए तो आपका स्टैंडर्ड किस चीज़ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है आ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि Uh, कई बार हम बहुत ही बड़े ड्रीम्स देखते हैं और कई बार वो ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं या फिर हमें फेलियर्स मिलते हैं तो हम क्या करते हैं उन ड्रीम्स को छोड़ देते हैं और फिर कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में करने लगते हैं तो बोल रहे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आप जो चाहते हैं वो चीज़ हो सकती है वो चीज़ आपको मिल सकती है तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे एकवेंटेंस हो सकते हैं या फिर लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं पाइसी जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं या फिर जो आपसे जलस फील करते हैं या फिर जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं तो अपने सारे सीक्रेट्स सबको बताने की ज़रूरत नहीं है अपनी अपनी प्लानिंग सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है बताने की ज़रूरत नहीं है तो आपको आपको पता होगा कि कौन लोग हो सकते हैं तो अगर आपको पता है कि कुछ लोगों का इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा उन लोगों से दूर रहिए ठीक है चलिए आपकी लव रीडिंग करते हैं ओके यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली स्पाइसिस की लव लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं किस एनर्जी में वो स्टैंड कर रहे हैं क्या कुछ हो सकता है प्लीज शोस प्योरली ओके okay, देखते हैं क्या कुछ आ रहा है ओह माय गॉड फर्स्ट कार्ड द लवर इमेजिन द मून ओके पेज ऑफ शॉर्ट पेज ऑफ कप्स वाओ नाइट ऑफ पेंटिकल द फूल फूल फिर से आया है पाइसी दंग मैन किंग ऑफ वांस ओके कुछ कुछ स्टोरीज क्लियर हो रही है मुझे हम्म तो क्या चल रहा है यहाँ पे गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर और फिर हम डिस्कस करते हैं और राइट यू पाई तो काफ़ी सिंपल सी रीडिंग है आपकी यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट कार्ड आया था वो द लवर्स आया है और द लवर्स बता रहे आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स किसी पर्सन के साथ में मतलब द लवर्स है मतलब आप जैसा फ़ील कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपके लिए कुछ वैसा ही फील करते हैं और द लवर्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे एक एंजल होते हैं जो ब्लेस कर रहे होते हैं इस कपल को तो ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन दिख रहा है पाइसीज़ और अभी बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो लोग हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे स्टैंड कर रहे हैं शायद आपको ज़्यादा रियलाइजेशन है Uh, इस रिलेशनशिप का आप ज़्यादा अभी फील कर रहे हैं शायद आपके पर्सन अभी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे जिस लेवल का इंटरेस्ट आप ले रहे हो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल हो सकता है हुँ? तो सब कॉन्शियसली आपके पर्सन को अभी पता है या फिर अभी नहीं पता है तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं और uh, उसके बाद ये जो द लवर्स का कार्ड है उसको क्रॉस किया है द मून ने तो दोनों मेजर अरकानाज हैं द मून ये बता रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका इस पर्सन के साथ में आ, उसका फ्यूचर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको अभी फ्यूचर शायद से दिख नहीं रहा हो यहाँ पे बहुत सारे एल्यूजन्स हैं बहुत सारी बातें हैं जो छुपी हुई हैं अभी तक आपको पता नहीं है और आ, हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को डाउट करते हो या फिर आपके पर्सन डाउट करते हों और वो सारी चीज़ें हिडन एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं द मून मतलब कि अंधेरा है और यहाँ पे हमने एलुमिनेशन का कार्ड देखा था और द सन का कार्ड देखा था तो द मून की एनर्जी बहुत समय तक नहीं रहेगी ये चेंज होगी और आपको रियलिटी का पता चलेगा बट अभी जो करंट सिचुएशन में मुझे चीज़ दिख रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर उस पर्सन को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और अभी बहुत अच्छे से फ्यूचर दिख नहीं रहा है खासकर कर यहाँ पर एल्यूज भी बहुत सारे हैं तो uh, हो सकता है आपके पर्सन के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो या फिर ये आपको वैसे दे आपके ऑथेंटिक सेल्फ को ये पर्सन देख नहीं पा रहा है जैसे आप एग्जैक्टली हैं जैसा आप फील करते हैं उन सब बातों को अभी ये पर्सन समझ नहीं पा रहा हो या फिर आप अपने पर्सन को समझ नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे यू you नो know, आप मून की एनर्जी समझ रहे हो इल्यूजन्स की एनर्जी होती है कि जो चीज़ है नहीं वैसा सोचना रियलिटी को ना देख पाना या फिर डाउट uh, करना या फिर फ्यूचर ना देख पाना किसी के साथ में तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं अभी ये सारी चीज़ें आपके एक्चुअली द लवर्स की एनर्जी को ब्लॉक कर रही हैं यहाँ पे पास्ट में द एम्प्रेस दिख रहा है और फोर ऑफ कप्स दिख रहा है द एम्प्रेस से ये पता चल रहा है कि कुछ चीज़ एम्प्रेस पोटेंशियल बताता है एम्प्रेस ये बताता है कि कोई सीड है या कोई अपॉर्चुनिटी है जिसे आप नर्चर करेंगे तो ये कनेक्शन बहुत ही आगे तक जाएगा ये एक अपॉर्चुनिटी है द एम्प्रेस एम्प्रेस आपकी लव लाइफ की अपॉर्चुनिटी बता रहा है कि अगर चीज़ें सही रही तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है पास्ट में ऐसी एनर्जी दिख रही है द एप्रेर एम्प्रेस की मतलब कि शायद आपको इस पर्सन में दिखा हो कि ये पर्सन मेरा सूटेबल पार्टनर हो सकता है बट शायद आपने अगर इन्हें अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश की हो तो इस पर पर्सन आपकी फ़ीलिंग्स प्रॉपरली ले नहीं पाया या समझ नहीं पाया क्योंकि इस पर्सन का ध्यान आ, ये तीन कप्स पे है और इस कप पे नहीं है जो यूनिवर्स इन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या फिर जो आप अपॉर्चुनिटी इन्हें दे रहे हैं तो इनका ध्यान कुछ कुछ अलग चीज़ों पर दिख रहा है पास्ट में और देखिए ये चीज़ कुछ इनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड भी हो सकती है करियर से रिलेटेड भी हो सकती है कि लव लाइफ़ पे यह फ़ोकस नहीं कर रहे हैं करियर पे फोकस कर करें या आप पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है इनके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ नेगेटिव हो कुछ रेलिवेंट भी हो सकता है अब यहाँ पर करेंट एनर्जी में पेज ऑफ शॉर्ट्स दिख रहा है पेज ऑफ शॉर्ट्स एक चीज़ अश्योर कर रहा है मुझे कि अभी आपके पर्सन किस भी एनर्जी में स्टैंड करें या आपको लेकर बहुत क्यूरियस हैं पाइसीस कि आप क्या कर रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है तो आपको लेके क्यूरियस हैं आपको जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं और ये बहुत ही छोटी एनर्जी है तो छोटी एनर्जी है मतलब कि अभी ये बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में डेवलप नहीं दिख रही है ये अभी छोटी सी एनर्जी की आप इंटरेस्ट ले रहे हो आप जानना चाह रहे हो आप समझने की कोशिश कर रहे हो बट आप पूरा टाइम यहाँ पे नहीं दे रहे हो हुँ? वो एनर्जी है और यहाँ पे आपकी एनर्जी में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है दोनों पेजेस की आप दोनों पेज की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो पेज से द लवर्स आने में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है तो यहाँ पे आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो मतलब आप आ, आप भी क्यूरियस हो कि इस पर्सन को देख रहे हो फील करना शुरू कर रहे हो फील कर रहे हो फीलिंग्स थोड़ी बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे सब आपकी एनर्जी दिख रही है अब आपकी एनर्जी में एक और कार्ड है द फूल का कार्ड तो द फूल बता रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं कुछ शुरू करना चाहते हैं उसकी एनर्जी दिख रही है मैंने कहा ना बहुत सिंपल रीडिंग है आपकी और उसके बाद आप इस पर्सन को किंग ऑफ वांस की तरह भी देख रहे हैं हुँ? तो किंग ऑफ वांस हो सकता है आपके पर्सन एरीज लियो या साजिटेरियस हो अगर नहीं है तो आप इस पर्सन को ऐसे देखते हो कि पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव है या फिर बहुत ही चार्मिंग है या फिर इनकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है ये जिससे भी बात करते हैं उनको इम्प्रेस कर लेते हैं अपनी बातों से बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी ये सब कुछ आप देख रहे हैं इनमें और ये कहाँ कौन सी एनर्जी में स्टैंड करें देंग मैन की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। तो आपके पर्सन कहीं पे स्टक महसूस कर रहे हैं, कहीं पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसी स्टकनेस के कारण ये प्रॉपरली अपनी लव लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं हु? तो कहीं पे फंसे हुए हैं कहीं पे स्टक है अगेन हम बोल सकते हैं कि आ, लाइफ की उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं और रियलिटी को नहीं देख पा रहे तो आपके पर्सन किसी अलग ही लाइफ की स्टोरी से गुजर रहे हैं जहाँ पे वो थोड़े से परेशान हैं थोड़े से स्टक हैं इन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है इनके लिए क्या सही है क्या गलत है तो जब तक ये स्टक एनर्जी इनकी लाइफ से जाएगी नहीं तब तक प्रॉपरली आपका जो रिलेशनशिप है वो फ्लरिश नहीं हो पाएगा थोड़ा सा वक्त लगेगा यहाँ पे खासकर इस महीने हो सकता है पर्सन आपको थोड़ा सा टफ टाइम दे पाइसिस आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करें या फिर आपको इग्नोर करें और थोड़ा सा आप हार्ट ब्रेक फील करें इस महीने इस कारण ये यह यहाँ पे दिख रहा है पर फ्यूचर की एनर्जीज़ बहुत ही अच्छी दिख रही हैं पाइसिस नाइट ऑफ पेंटिकल है और एट ऑफ वान्स है हाँ जी तो सबसे पहले तो मुझे ये दोनों कार्ड्स ऐसे साथ में देख के समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को आपसे कुछ बात करनी है पर शायद ये वक्त लगाएं अपनी बात कहने में या फिर अपनी बात आपको बताने में देखिए यहाँ पे एट ऑफ आंस जो है ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है और क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड होता है तो फ्यूचर में दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स क्लियरली आपको बताएंगे या फिर जो चाहते हैं वो कम्युनिकेट करेंगे आप दोनों की कन्वर्जेशन अच्छी रहेगी और इन लोग को इनको पसंद आएगी आपकी कन्वर्जेसन या आप दोनों इन्जॉय करेंगे आपकी कन्वर्जेसन आपकी बातें इन्जॉय करेंगे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे ये सारी चीज़ें फ्यूचर में दिख रही हैं बट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है पाइसिस तो नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ द स्लोवेस्ट नाइट ऑफ द डेक ये सबसे स्लो चलता है नाइट ऑफ पेंटिकल चारों नाइट में सबसे स्लो है मतलब आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो ये पर्सन बस खड़ा ही हुआ है मतलब इनका जो हॉर्स है ये वॉक ही नहीं कर रहा है वहीं एक जगह पे ही खड़ा है तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पाइसिस ऐसी होती है कि बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है ये जो पर्सन है ये अपना ऑफर देने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं और समझते हैं और प्रैक्टिकली uh, देखते हैं कि किसी के साथ रहना मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा मैं अगर इस पर्सन को मैंने कमिटमेंट दे दिया या मैंने इस पर्सन से शादी कर ली तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा हम दोनों के रिलेशनशिप का इफ़ेक्ट मेरी फैमिली पे कैसा पड़ेगा मेरे काम पे कैसा पड़ेगा तो ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा टॉरस एनर्जी भी है तो हो सकता है आपके पर्सन टॉरस हो पर ये ऐसी एनर्जी है कि बहुत ही सोचेंगे बहुत सोचेंगे कुछ भी बोलने से पहले सोचेंगे अपनी फीलिंग्स एकदम से नहीं बता देंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेंगे और सोच समझ के बातें करेंगे ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है बाइसी तो हो सकता है कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ने में बहुत ही टाइम लगे और वैसे भी ये तो इनके नेचर में दिख रहा है कि ऑफ पेंटिकल में और वैसे भी ये लाइफ में स्टक हैं तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही स्लोली स्लोली से ही मूव करेगा और आ, आप हो सकता है पेशेंस लूज करें इस पर्सन के साथ में बीच में और इस कारण आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी फील करते हुए दिख रहे हैं और आप लोनली भी फील करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये पर्सन का जो एटीट्यूड है बहुत लाइक like, जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है तो ये चीज़ें मुझे इस महीने दिख रही हैं फ्यूचर इवन तो मुझे काफ़ी ब्राइट दिख रहा है और इधर लवर्स आया तो बता भी रहा है उदर लवर्स के हो सकता है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो टेक वेजन इट्स लीव द रेस्ट बट यहाँ पे चीज़ें फ्यूचर में बेटर होते हुए दिख रही हैं बट स्लो होंगी बहुत ही स्लो चलेगा सब कुछ चलिए आप देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में अननेसेसरी रीडिंग को बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बातें हैं चलिए ओके यूनिवर्स प्लीज शो एस क्लियोरली कोई और साइन या कोई और मैसेज इस रिलेशनशिप के लिए प्लीज शो एस क्लियोरली यू आर रेडी आप तैयार हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ अगले कुछ महीनों में चीज़ें बेटर होंगी आपकी इस परसन के साथ में आप तैयार हैं इस रिलेशनशिप के लिए और विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ अरे दो दो सिमिलर कार्ड आए हैं तो कुछ लोगों के लिए अगले कुछ हफ्तों में कुछ एडवांसमेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए अगले कुछ महीनों में हो सकते हैं सो so, यहाँ पे गाड़ी आगे बढ़ती हुई तो दिख रही है पर अगेन थोड़ी सी स्लो मूविंग है uh, मैं आपको पहले साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं और उसके बाद मैं आपको अल्फ़ाब्स बताऊँगी तो यहाँ पे द लवर्स हैं मतलब कि चैमेनाई है यहाँ पे यहाँ पे द मून है पाइसीज आप दिख रहे हैं अपनी एनर्जी में स्टैंड करते हुए हो सकता है कि आपके पर्सन भी पाइसीज हों और यहाँ पे वान्स काफ़ी स्ट्रांग है तो आपके पर्सन एरीज लियो या साजटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे पेंटिकल भी थ्रू आउट द रीडिंग स्ट्रांग रहे हैं तो आपके पर्सन टॉरस या कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं ओके okay? और यहाँ पे सॉर्ट्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तो अगेन यहाँ पे जेमिनाई लिब्रा और एक्वेरियस भी हैं ओके okay? सो so, काफ़ी सारे साइंस हैं यहाँ पे चलिए अब फर्दर uh, कन्फर्मेशन के लिए एल्फोबिट्स देखते हैं ओके okay, यहाँ पे जैमिनाई फिर से आए हैं और यहाँ पे लिब्रा भी आए हैं ओके इन द लेटर्स वी हैव आर डब्ल्यू एल T A A for se, I s W R X J E V n O R V G Z. एंड ओ ओके तो ये सारे लेटर्स हैं बाइसी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा जब तक कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि ये कुछ एक्शन ले मीन वाइल आप अपने करियर पर थोड़ा सा फोकस करिए ठीक है सो टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम बाय